श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का ये शुरुआती सत्र है अघोर को जानने के लिए। इसमें बहुत तांत्रिक विधान नहीं बताऊंगा, हाँ लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए अघोर से, इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले दो टू की ये कि कोई ऐसा इस चल पृथ्वी पर अगर समझे कि उसे अघोर समझ में आ गया है और वो आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है, तो ये मिथ्या होगा, क्योंकि अघोर बिल्कुल उस सत्य की तरह है जिसको ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु को महादेव जी ने कहा था और विष्णु जी ने आकर के हाथ जोड़ लिया था कि प्रभु इस अनंत का जो है छोर हम नहीं ढूंढ पाए। उसी तरीके से अघोर का और छोर जानना बहुत मुश्किल है। इतिहास पे हम बात कर सकते हैं और इतिहास भी वो जो कई काल में कई लोगों और कई पीढ़ियों के हिसाब से हमारे तक पहुंचा है, अर्थात कभी भी जो शुद्ध इतिहास होता है वो हम तक नहीं पहुंचता है। हर कालखंड में या आपके जीवन में भी जो समय होता है वो समय आपको युद्ध करवाता है। कभी आप खुद से युद्ध कर रहे होते हैं, कभी आप परिवार वालों से युद्ध कर रहे होते हैं, कभी मित्रगण में युद्ध होता है, कभी शत्रुगण में युद्ध होता है, कभी आपके ऑफिस में युद्ध होता है। और सत्य वही होता है जो इस युद्ध में जीतते हैं वो बताते हैं, जो हारते हैं उनका सत्य सत्य नहीं होता। तो इस प्रकार से इतिहास जो है जीते हुए का अपना वर्जन होता है सत्य का। उस हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो अघोर का जो कालांतर में रिसर्च हुआ उसमें आया और गया और उसमें कई चीजें लुप्त हो गई, कई चीजें हमें बताई गई, भ्रामक भी चीजें बता गई, कई चीजें ऐसे बताई गई जो सत्य है। अघोर अगर शब्द का शब्दार्थ पर हम जाते हैं तो अघोर अखंड ब्रह्मांड में एक ही है, वो है वो महादेव, क्योंकि महादेव ही, देखो दो सिद्धांत है, ठीक है, एक वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत में जिसको दक्षिण मार्गी बोल सकते हैं आज की भाषा में, उसमें अघोर और जो वाम मार्गी अघोर है दोनों में थोड़ा अंतर है। तो दक्षिण मार्गी अघोर में और वाम मार्गी अघोर में एक जो समानता है वो ये है कि दोनों महादेव को मानते हैं और ये मानते हैं कि महादेव ने जो उमा को बताया, सदाशिव ने जो उमा को बताया या भैरव ने जो भैरवी को बताया वही तंत्र शास्त्र है और वही तंत्र शास्त्र किसी भी तांत्रिक विधान को आप अनुसरण करते हैं तो उसी तांत्रिक विधान को हम फॉलो करते हैं। तो चाहे आप दक्षिण मार्गी हो या वाम मार्गी हो, आप कौल पंथ से करते हो, नाथ पंथ से करते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो जो वाम मार्ग है उसमें महादेव को शुरुआत में आदि पुरुष के रूप में स्थापित किया गया, नाथ पंथ में भी आदि पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष को आदेश, अगर आप कोई बहुत कट्टर अघोरी से मिलेंगे तो आप जैसे ये शब्द बोलते हैं आदि पुरुष को आदेश, वो समझ जाता है कि अपना पुराना आदमी है ये। और भगवती को ईशा बोला गया, ठीक है, और जो नाथ पंथ से जुड़े हुए हैं उनको आदेश शब्द
बहुत बार सुनने मिला होगा। मेरा व्याख्यान जो रहेगा वो वाम मार्ग तंत्र की तरफ रहेगा, दक्षिण मार्ग तंत्र की तरफ कम रहेगा, अघोर में। तो जो आदि पुरुष हुए उनको ही अघोर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अघोरी कोई नहीं हुआ, जो भी हुए वो अघड़ हुए, ठीक है, क्योंकि आदि पुरुष ही महादेव का स्वरूप थे और पूर्ण महादेव वही है। उनके बाद जो उस तत्व को प्राप्त करता है उनको मार्ग में जब वो प्रशस्त होते हैं तो अवघड़ बोलते हैं, और जब वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको अवधूत बोलते हैं। अवधूत का अर्थ होता है कि अब उनमें और महादेव में कोई अंतर नहीं रहा। अच्छा, अब क्या है कि बहुत लोग खुद के नाम में कुछ भी जोड़ लेते हैं, अवधूत जोड़ लेते हैं, अब तो शंकराचार्य जोड़ लेते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अवधूत नाम में लिखने से कोई अवधूत नहीं हो जाता है। अवधूत एक अवस्था होती है। देखिए, जब आप अघोरियों के विषय में सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, कि एक एंटी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति अघोरी होता है। अगर हम सत्य पे बात करें तो नाथ पंथ में तो ऐसी साधनाएं कम है, लेकिन जब आप कौल पंथ साधनाओं में जाएंगे तो जब उसका व्याख्यान आप पढ़ेंगे तो आज का जो सोशल स्टिग्मा वाला जो सोसाइटी है, जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आप कौल पंथ की साधना करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति शक्ति ही अर्जने आता है, शुरुआत में उसको बहुत अच्छा लगता है। और नाथ पंथ साधना थोड़ा सबटल है, उसमें एंटी सोशल के मामले में उतना ही एंटी सोशल विषय को डाला गया है जो कि आप स्वयं से कर सके, उसमें किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी चीजें होती हैं, जैसे मुंड की पूजा हुई, ठीक है, श्मशान में जाना हुआ, और मांस मदिरा का भक्षण हुआ, तो ऐसी चीजें अघोर साधना में शुरुआती तौर पे होती हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये ही अघोर है तो ये मूर्खता है, ठीक है। महादेव के जो पांच मुख हैं, ठीक है, उसमें जो दक्षिण मुख है उसको अघोर कहा गया। अघोर मुख को भैरव भी बोलते हैं, और जो भैरव का पूजन करता है या जीवन में जो एक बार भी भैरव महाराज का प्रसाद ग्रहण करता है उसको भी अवघड़ ही बोलते हैं। अवघड़ ही अधिकारी है भैरव महाराज का प्रसाद पाने के लिए, और जिसने एक बार भी भैरव महाराज का प्रसाद पा लिया तो वो अवघड़ हो जाता है। ये हो गया अवघड़ का विषय। अब विषय की कैसे समझें कि हम सही अघोर में हैं या गलत अघोर में, तो एक बात समझिए, अघोर सनातन काल का विषय है और ऋषि मुनि से लेकर के जो विष्णु अवतार हुए, राम और कृष्ण, सभी अवघड़ विद्या में पारंगत थे। इसका बहुत जगह बहुत तरीके का वर्णन आता है। और अवघड़ क्या है? अवघड़ एक जीवन शैली है, एक जीवन शैली जिससे आप भगवत की प्राप्ति करते हैं, एक जीवन शैली जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि जो भी है आपके आसपास आपके ब्रह्मांड में वो एक ही रचयिता के द्वारा रचित है, उनके ही इच्छा से वो बना हुआ है, तो उनके लिए कुछ भी अच्छा या खराब नहीं हो सकता है। इसमें आपको मैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप एक शरीर है, आप भोजन प्राप्त करते हैं,
आपके शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग समय में अलग अलग तरह के रसायन निकलते हैं। वो चाहे आपका आपके चमड़े से हो या मलमूत्र के द्वार से हो, आपकी नासिका से हो, आपके कान से हो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके कान में खुजली हो रही है, आपने ऐसे क्या कहते हैं कान में उंगली डाला और उसको ऐसे ऐसे थोड़ा ठीक करने का कोशिश करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। 99% लोग जो है जब कान में हाथ डालते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने कान में हाथ डाला है, और फिर अगर भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं तो कर लिया, या पीठ में खुजली हो रही है, पैर में खुजली हो रही है, वो अपना खुजली कर लिया, फिर हाथ वाथ धोया नहीं। ऐसा 99% लोग करते हैं। जो बहुत सुपर हाइजीनिक लोग होंगे वो शायद इसको नहीं करते होंगे। लेकिन वही आपको बोल दिया जाए कि वो देखो वो अमुक व्यक्ति है ना, उसके कान में खुजली हो रही है, तुम थोड़ा अपना अनामिका उसके कान में डाल करके और साफ कर दो, तो हो सकता है कि गुरुजी पे कुड़ते हुए भी आप वो साफ सफाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप 4 बार अपने हाथ को धोएंगे। ये कान की बात है जो हमारे सर से जुड़ा हुआ है। शायद वो जितना मल का द्वार है शरीर में सबसे साफ है, लेकिन अगर आप किसी और के कान में उंगली डाल दें और कान का मल निकाले, उसके बाद आप 4 बार 5 बार हाथ धोएंगे, यही आप स्वयं पर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। शरीर के किसी भी अंग को छू दिया, बैठ के अपना ऐसे बैठे हुए पालथी मार के अपने पैर को छू लिया, फिर उसी हाथ से कुछ करने लगे। लेकिन अगर किसी और के पैर को ऐसे रगड़ दिया तो जाके पहले हाथ धोएंगे फिर कुछ करेंगे। ये भेद जो समझ गया ना, वो अघोर का भेद समझ जाएगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस शरीर को हम अपना मानते हैं, तो इस शरीर की सुंदरता, इस शरीर का भाव, इस शरीर का मोहकपन, इस शरीर का महकपन, इस शरीर का मल, इस शरीर का मूत्र, इस शरीर का कुछ भी हो, वो मेरा है और मुझे खुद से घिन नहीं आती है, अगर आप साइकोपैथ नहीं है तो। लोगों को खुद से घिन नहीं आती। अब दिन भर पसीने में काम कर रहे हैं, देह तर गया पसीने से, हाथों में पसीना है, लेकिन चाय पीने गए तो भाई एक बिस्किट उठा के खा लिया, और कोई व्यक्ति दूसरा आपके बगल में बैठा हुआ है, आप स्नान ध्यान कर कर बैठे हुए हैं और वो पूरे पसीने से तर है और वो आपके हाथ को छू दे तो आप एक टिश्यू पेपर उठा के हाथ पोछेंगे, क्योंकि वो आपका शरीर नहीं है, ये आपका शरीर है। आपका शरीर में मल है तो वो ठीक है, उससे आप कंफर्टेबल पोजीशन पे रहते हैं हमेशा। ये इसलिए है क्योंकि हमें ये भेद बताया गया है बचपन से कि ये आप हैं और ये अमुक व्यक्ति है, आपका मल आपके लिए ठीक है, ऐसा ह्यूमन कॉन्शियसनेस बताता है। किसी का मल अगर आपको साफ करना पड़े, आप 10 बार हाथ धो, खुद के मल को साफ करके आप एक बार हाथ धोते हो और उसके बाद आप संतुष्ट हो जाते हो, हाँ मैं शुद्ध हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप नर्सिंग में नहीं है तो। ये जो बोध है ना अच्छे खराब का, ये जिसमें खत्म हो जाए वो अवघड़ होता है। ये बहुत मुश्किल है, ये समझना और ये करना बहुत मुश्किल है। और जब हम महादेव की बात करते हैं जिन्होंने सृष्टि की संरचना की, उनका ये पूरा ही शरीर है, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है, उनका तो पूरा ब्रह्मांड शरीर है। तो उनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा
ऐसा नहीं होता, सब उनमें ही समाहित है। हम तो बहुत छोटे तिनके हैं, लेकिन वो तो महादेव है, वो ब्रह्मांड है। और जो इस विषय को समझ जाता है वो अवधूत हो जाता है, वो महादेव की समझ में आ जाता है, वो अवधूत हो जाता है, वो जादू नहीं करने लगता, ठीक है, वो चेत जाता है, उसको पता होता है कि भाई ये है। तो जो अघोर साधक होते हैं ना, वो बहुत नियम का पालन नहीं करते हैं। हमारे एक गुरु जी थे, वो हमें सिखाते थे, कुछ नहीं मिले हवन करने में तो राख उठाओ और उसी से हवन शुरू कर दो, क्योंकि उनके लिए राख भी वही है, मांस भी वही है, और जो भी आप अर्पण करते हैं सबका मूल भोग भाग वही है। हाँ, इस पे कई लोगों को ये सवाल होगा, तो फिर हम लोग मांस क्यों चढ़ाते हैं, हम मदिरा ही क्यों चढ़ाते हैं, पानी क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? ये पहला वीडियो है, इन सब विषयों पे भी हम आएंगे कि अघोर में क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, क्यों क्रियाएं की जाती हैं। तो पहला विषय तो ये समझ लीजिए कि अघोर में अच्छा बुरा, साफ गंदा, इसका भेद नहीं होता है। और जो पहले अघोरी माने जाते हैं और जो आखिरी अघोरी माने जाते हैं वो महादेव हैं। उसके बाद उपाधि कोई ले ले, उससे कोई अंतर नहीं, कोई असुविधा नहीं। उसके बाद जो भी हुए अवगढ़ हुए, दक्षिण तंत्र में क्योंकि पहले संस्कृत चलता था, ठीक है, तो ज्यादातर मंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा में वो अघोर की साधना है। अभी क्या है कि लोग बिल्कुल सीधा एक बाइफरकेशन कर देते हैं कि अगर संस्कृत में मंत्र है तो वो दक्षिण तंत्र है, और अगर वो पाली भाषा में है, बंगाली में, तो साबर मंत्र है, तो वो अघोर का मंत्र। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो मंत्र हैं संस्कृत में, उनका वैष्णव प्रयोग भी होता है और उनका अघोर में भी प्रयोग होता है। इससे एक विषय और समझते हैं हम आगे। मैंने जैसे बोला कि राम, श्री राम अघोर मार्गी थे, क्योंकि अगर आप वैष्णव हैं और आप भगवती की पूजा कर रहे हैं तो देखा ही होगा आप लोगों में से जिनके यहाँ चंडी पाठ होता है नवरात्रि में, कि कितना नियम होता है कि उस कमरे को साफ करो, उसको नया पेंट करो, और उसके बाद पूजा होगा, पाठ होगा, उस कमरे में कोई नहीं घुसता है। फूल जो होते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ फूल होना चाहिए, जो भगवती को भोजन चढ़ता है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति उसको छुए ना। जब भगवती का भोग रसोई से बन के भगवती तक जाता है तो उस पूरे रास्ते को धोया जाता है, इतना नियम भगवती का। और श्री राम का एक कमल अगर लुप्त कर दिया गया था माया के द्वारा, तो वो आंख निकाल के भगवती को चढ़ाने लगे। ये समझ था कि वो कमल और ये आंख, ये बराबर है भगवती के लिए। तो ये अघोर का मूलभूत सिद्धांत है कि अच्छा खरा कुछ नहीं होता। अब आते हैं दूसरे विषय पर, किन देवी देवताओं की पूजा हम अघोर विधान से कर सकते हैं। उत्तर है सारे देवी देवताओं का, हाँ, लेकिन आप जिस रूप में घर में पूजा कर रहे हैं और जिस रूप में अघोर में पूजा होता है वो अलग है। इसका जवाब बस एक वाक्य का है कि सारे देवी देवताओं का एक मसानी रूप होता है, उस मसानी रूप का मंत्र अलग होता है, उस मसानी रूप का विधान अलग होता है, उस मसानी रूप का भोग अलग होता है, और उस मसानी रूप को पूजा करने का समय अलग होता है। तो आपके कोई भी इष्ट देवी देवता हो, आप उसका अनुसरण जो है अघोर क्रिया में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मसानी रूप का ही पूजा करें, बहुत सारे सौम्य मंत्र भी होते हैं, उन मंत्र से आप जो है देवताओं को जागृत कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ है तीसरा विषय कि क्या अघोर मंत्र जो है वो सिर्फ मसान में प्रयोग होता है। 2-3 दिन पहले हमसे किसी की वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि गुरु जी आपका तो ज्यादा समय श्मशान में ही गुजरता होगा,
तो ऐसा नहीं है। हमेशा मसान में अघोर की साधना नहीं होती है। कुछ एक साधना है जिसको सिद्ध करने के लिए आप मसान जा सकते हैं। ये भी सत्य है कि मसान जाने से कोई भी मंत्र जो है उसकी सिद्धि थोड़ी जल्दी होती है, मतलब जो जो मंत्र मसान में सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है ना। अब वशीकरण का मंत्र आप जाकर के मसान में करोगे तो वो तो उल्टा असर देगा। लेकिन उसी के साथ एक विषय और है, कोशिश ये करनी चाहिए जो अघोर मंत्र होता है उसका उच्चारण आप घर में ना करें। क्यों ना करें घर में? क्योंकि अघोर मंत्र से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। कलयुग का जो मंत्र है वो साबर है, क्योंकि बाकी मंत्रों को देवता ने किलित कर रखा महादेव जी ने, और उत्कीलन करके आप मंत्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु इनका वेग काफी ज्यादा होता है, देवता जल्दी जागृत होते हैं। अब क्या होता है कि घर में जब आप साधना कर रहे होते हैं ना अघोर मार्ग की, तो घर का जो आपका पूजा स्थल है, जो आपका आसन है, उसका ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप तो साधना मार्ग में है या फिर साधक हैं, आप जो भी हैं, अगर आप अघोर का मंत्र कर रहे हैं तो आपका जो है वो वाइब्रेशन को सहने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन आम जनमानस में ऐसा नहीं होता। बहुत लोग जो शुरुआती साधना करते हैं भैरव जी की अघोर साधना, वो उनको ये चीज पता है कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है बहुत गुस्सा? बहुत गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो जो आपने एक एनर्जी को जागृत किया, वो एनर्जी जो है आपका शरीर सह नहीं पाता है। क्योंकि आपका जो शरीर है ना, वो एक एनर्जी लेवल में रहने के लिए शुरू से प्रोग्राम्ड है। इसको ऐसे समझिए कि किसी गरम गरम ग्लास है जिसमें पानी है, मतलब गरम पानी का ग्लास है, उसमें अगर आप एक ठंडे चम्मच को डालते हैं तो धीरे धीरे वो चम्मच गरम हो जाता है, लेकिन फिर कालांतर में वो चम्मच और वो पानी है दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है, और फिर दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से साधना और साधक होते हैं, जिसका भी एनर्जी हाई होगा एनर्जी उसी की तरफ फ्लो करती है। इसे एक बात और समझिए, इसीलिए बहुत बार बहुत सारे साधकों को बोला जाता है कि गुरु अधीन होकर के ही साधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने साधना कर रखी होगी, और इस जन्म में आप फिर निम्न स्तर की अगर साधना करना शुरू करेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिप कर जाएगा। तो बहुत लोग ये भी बताते हैं कि गुरुजी ये साधना कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कमजोरी लगती है या ऐसा लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप गलत साधनाओं को कर रहे हैं। तो अघोर में मसान कितना महत्वपूर्ण है? मसान महत्वपूर्ण है, मैं ये फिर से बता देता हूँ, मसान महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी शक्तियों को आपको अघोर में समझना होता है। अघोर का मूलभूत कारण क्या है, क्यों लोग अघोरी बनते हैं? आज के दिन में चमत्कारी बनने के लिए अघोरी बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल दो टूक बताता हूं ये बात, कि जो चमत्कारी अघोरी हैं वो आपको चमत्कार सिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं सिखाएंगे? जो चमत्कारी अवगण है वो आज के दिन में वही है जो कि कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, कहीं जल समाधि लिए हुए हैं, गर्दन बाहर निकाल के किसी गुफा में छुपे हुए हैं, ठीक है। उनको आपसे मतलब नहीं, आपको अपनी शक्तियों का वो प्रदर्शन करके उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक भोजन की जो उनको प्रकृति देती है, एक जल की जो उनको नदियां देती हैं, और कपड़े की जो मसान का उनको फेंका हुआ कपड़ा मिल जाता है। तो आपसे उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आपसे वो किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग आपको चमत्कार, आपके लिए चमत्कार, उनके लिए आम जीवन का जो एक विषय होता है। जैसे मैंने एक आप लोगों को कथा बताया था कि एक औगड़ महाराज थे बनारस के तीर पे, और उनके इशारा पे जो है, इशारे पे लाश जो है बहती हुई किनारे पे आ जाती थी, नदी में बहती हुई लाश। लेकिन वो क्या है कि उनके लिए वो जीवन
जीने का एक तरीका है। एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, उसके लिए गाड़ी चलाना बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो गाड़ी चलाना जानता है, उसके लिए वो नॉर्मल एक जीवन शैली है, एक नॉर्मल विषय है जीवन का। वैसे ही ऐसे लोग हैं जो कि कहीं वन में घूमते हैं, जैसे हम हैं। हम साधना क्यों करते हैं? हम साधना करते हैं ज्ञान पाने के लिए। क्या मेरा लक्ष्य चमत्कार करना है? नहीं, मुझे पता है कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता हूं। मेरा चमत्कार वही तक सीमित है जहां तक भैरव है। भैरव जी को किसी विषय से अवगत करा दिया, भैरव जी ने अगर आपकी सुन ली तो आपका काम हो गया। आपके लिए मैं चमत्कारी हो जाऊंगा, या भैरव महाराज चमत्कारी हो जाएंगे, या हमारा मंदिर चमत्कारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं चीजों को उड़ा दूं, हमारे एक शिष्या ने मुझे बोला कि आपके पास तो वीर कंगन है, वीर कंगन कितने फीट हवा में उठता है। मैंने बोला तुम किसी फ्रॉड के चक्कर में हो। ऐसे जो चमत्कारी विषय हैं जो आपको दिखाए, उनको साष्टांग प्रणाम कर लो तुरंत, ठीक है? अघोर में, कलयुग में चमत्कार नहीं होता है। और जो चमत्कारी पुरुष है उनके लिए वो चमत्कार है नहीं, और आप उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते हो। तो अब दूसरे विषय पर आते हैं कि क्या आप वो चमत्कार भी सीख सकते हो? तो पहला तो अपने जीवन का उद्देश्य, अगर आपका चमत्कार है तो आप अघोर में बेकार आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अघोर में, अगर आप शुद्ध मन से और शुद्ध विचार से आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे और वो हो जाएंगे। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन अघोर में आ जाता है आपके पास। आप 7 साल 8 साल जब साधना करते हैं तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आ जाता है। किसी व्यक्ति को आपने देखा, आपको लगा कि अरे इसका काम होना चाहिए, तो बिना तंत्र मंत्र यंत्र के भी उसका काम होगा। और नहीं तो फिर आपके पास एक पूरा विधान होता है उस व्यक्ति के काम को कराने का। कैसे? अपने अंदर की आत्मा से परमात्मा को आदेश करते हैं, ये भी अघोर सिखाता है कि ये काम तो होना ही चाहिए, भले उसके लिए फिर कर्म में आपको भोगना पड़े, ये अलग बात है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। तो आप अघोर में आज के दिन में क्या सीख सकते हैं? आप आज के दिन में अघोर में सीख सकते हैं शक्तियों का अनुभव करना। जो अल्प आयु आपके पास है, और उसमें भी जो नौकरी चाकरी करके आपके पास थोड़ा समय बचता है, उसमें आप सीख सकते हैं देवताओं को प्रत्यक्ष देखना, ठीक है? आप कभी अपने जीवन में अगर लगे रहेंगे एक मंत्र के पीछे, एक देवता के पीछे, एक विधान के पीछे, तो आपको देवता का साक्षात्कार हो सकता है। ज्यादा डूबे तो देवता से आपका वार्तालाप हो सकता है, और ज्यादा डूबे तो देवता की सेवा का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है? और भाव ही सब कुछ है कलयुग में। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम तो साधना कर रहे हैं, आप आए सपने में और ऐसा बोला। तो मैं कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं हूं कि मैं किसी सपने में आऊं, लेकिन आपको मैंने कई बार बताया है कि जिस भी आप देवता की साधना करते हैं ना, वो किसी ऐसे रूप में आपके पास आते हैं जिसमें कि आप उनके बात को परसीव कर सकें। तो ऐसा कई बार हुआ है कि देवता किसी के सपने में गए, मेरे रूप में भी गए, और उन्होंने कुछ कुछ आदेश दिया, और इसका आभास मुझे होता रहता है। तो ये पराकाष्ठा है। आप सुपर ह्यूमन कैपेसिटी में कितने कितना जा सकते हो अघोर मार्ग में आज के दिन में? और जो प्रचंड अघोरी हैं, जिनके पास वो सीक्रेट है, जो सीक्रेट नॉलेज है वो जानना है, तो घर बार तज करके और उनकी तरह रहना सीख जाओ। और जब उनको लग जाएगा ना कि आप सच में चमत्कारी पुरुष नहीं बनना चाहते हैं, आप सच में अवधूत बनना चाहते हैं, तो शायद किसी महात्मा की कृपा हो जाए और आपको वैसी शक्तियां मिल जाए। लेकिन जब तक आपके पास ये YouTube चैनल का एक्सेस है, आपके पास नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, आपके पास अमेजन प्राइम का एक्सेस है, और आपको सीखना इसलिए है ताकि आपका व्यापार बढ़े, आपकी आपके पति आपकी पत्नी आपके कंट्रोल में रहे, आपका धन व्यापार बढ़े, आपका शत्रु मर जाए, जब तक आप इस व्यवस्था में रहेंगे तब तक आपको कोई बहुत चमत्कारी विधान नहीं सिखाएगा। अब आते हैं एक और विषय जो गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि भोग और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए एक अघड़ की।
एक गृहस्थ औगड़ को क्या शराब पीना चाहिए, क्या मांस मदिरा खाना चाहिए? इस पे कई व्याख्यान में दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको समझाता हूं कि बहुत सारे देवी देवताओं को बहुत तरीके का भोग लगता है। भोग देना अनिवार्य है, भोग ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। हाँ, प्रतीक रूप में अब जैसे अघोर साधना, अवघड़ की साधना आप कर रहे हैं, तो कारण का बहुत महत्व है। भैरव का जब जब आप जाप करते हैं, आपके जिह्वा में या तालु मतलब सर में जहाँ टीक होता है, वहां पे कारण प्रवेश होना चाहिए, शराब का प्रवेश होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी चढ़ाते हैं देवी देवता को, वो आप खाएं या आप बांटे, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आपको पहले उसके जैसा बनना पड़ता है, उनके आचार और व्यवहार को समझना पड़ता है। और एक विषय और है कि आप चढ़ाते वही हैं जो आप स्वयं भक्षण करते हैं, तो आपको ऐसे देवी देवता को चुनना चाहिए जो आपके आचार व्यवहार से मिले, या ये समझना चाहिए कि अगर देवी देवता का आचार व्यवहार ये है, तो सोशल नॉर्म में ना पड़ते हुए आपको उस आचार और व्यवहार को अपने जीवन शैली में सम्मिलित करना चाहिए, ना कि उसको काटना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार जब टॉक्स ऑन अघोर होगा, तो उसमें हम आपसे सटकर्मों के विषय में बात करेंगे। एक एक सटकर्म एक एक एपिसोड में आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है, आज अगर कोई सवाल हो तो उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, अगले बार मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जिनको अघोर में आसन बंधन यंत्र बनाना, हवन करना, भैरव जी की सेवा करना, ये सब सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। मेरा आने वाला कार्यक्रम, और जिनको मेरा लेख पढ़ना है, वो www.aghortantrahasya.com पर जाएं। डायरेक्ट बात करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राज्य वाले भैरव बाबा आपका मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।